Hello friends, in this video we are going to learn about content of layout. So friends, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो बिजनेस का लेटर है उस बिजनेस के लेआउट के क्या क्या कंटेंट्स होते हैं, यानी बेसिकली जो बिजनेस का लेटर डिज़ाइन किया जाता है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो सारे के सारे जो कंटेंट्स है लेआउट के आज हम वो डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक कंटेंट ऑफ लेआउट। तो कंटेंट ऑफ लेआउट में हम सबसे पहले बात करेंगे हेडिंग की। हेडिंग मतलब लेटर की शुरुआत। तो बेसिकली हम जब लेटर स्टार्ट करेंगे तो उसकी हेडिंग यानी सबसे टॉप में क्या आएगा, हेडिंग में क्या आएगा। तो सबसे पहले अगर हम देखें किसी भी करस्पॉन्डेंस का जो लेआउट होगा उसमें बिजनेस का सबसे पहले नाम आएगा कि बिजनेस का नेम क्या है। नेम के बाद बिजनेस का एड्रेस आएगा जो भी कंपनी का रजिस्टर्ड एड्रेस होगा। तो जब भी शुरुआत होगी तो हेडिंग में कंपनी का सबसे पहले नाम, और नाम आने के बाद कंपनी का रजिस्टर एड्रेस आने के बाद कंपनी का टेलीफोन नंबर, ईमेल, फैक्स या जो डिफरेंट इन्फॉर्मेशन होती है वेबसाइट वगैरह, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर टॉप में आएगी। यानी बेसिकली कंपनी से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी इन्फॉर्मेशन टॉप में आ जाएगी। तो सबसे पहले हेडिंग में कंपनी का नाम, नाम के बाद कंपनी का एड्रेस, एड्रेस के बाद कंपनी का ईमेल आईडी, वेबसाइट, फैक्स नंबर और टेलीफोन नंबर, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो हेडिंग में दी होगी। नेक्स्ट लेआउट की हम बात करेंगे तो उसमें है डेट। डेट जो है वो लेआउट में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। बिना डेट के कोई भी लेटर कंप्लीट नहीं माना जाता, यानी कि डेट का होना ज़रूरी है। तो जो भी डेट है वो डेट वहाँ पर लिखी जाएगी। दो डिफरेंट मैथड्स हैं डेट की, अमेरिकन और ब्रिटिश। आप अमेरिकन के हिसाब से भी डेट लिख सकते हो और ब्रिटिश के हिसाब से भी डेट लिखते हो। अमेरिकन के हिसाब से डेट या ब्रिटिश के हिसाब से अगर हम डेट समझें तो अमेरिकन में और ब्रिटिश में डेट में ये डिफरेंस है। सो ब्रिटिश वालों में कि जो डेट लिखी जाएगी उसमें सबसे पहले जैसे कोई डेट है पर्टिकुलर, 1 जनवरी 2020 या 1 जनवरी 2021, तो पहले फर्स्ट आएगा, फिर जैन आएगा और फिर 2020 आएगा। बट अमेरिकन में सिस्टम थोड़ा सा डेट का चेंज है। अमेरिकन में पहले जैन आएगा और उसके बाद फर्स्ट आएगा और सेम 2020 आएगा। यानी ब्रिटिश के डेट में और अमेरिकन के डेट में बहुत डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है, ब्रिटिश में पहले डेट में हम पहले जो डे है यानी 1 जनवरी 2020 इस तरह से लिखते हैं, बट अमेरिकन में हम पहले जैन लिखेंगे फिर फर्स्ट लिखेंगे एंड 2020 लिखेंगे। नेक्स्ट रेफरेंस नंबर। जो भी लेटर लिखा जाता है बेसिकली हर लेटर के अंदर एक रेफरेंस नंबर होता है। रेफरेंस नंबर इसलिए होता है कि जब भी किसी को लेटर भेजा जाए तो उसका रेफरेंस जो है वो कंपनी में रहे। यानी कि अगर कोई शेयर होल्डर को हमने लेटर भेजा तो वो लेटर हमने उसको भेजा है तो उसका एक पर्टिकुलर रेफरेंस नंबर हमारी कंपनी में नोट डाउन किया जाता है कि ये नंबर का लेटर जो है इस शेयर होल्डर को भेजा गया। तो अगर इनकेस फ्यूचर में कुछ होता है तो वो रेफरेंस के हिसाब से हम देख सकते हैं कि ये नंबर का लेटर जो है इस शेयर होल्डर को भेजा गया था। नेक्स्ट पार्ट है लेआउट का इनसाइड एड्रेस। इनसाइड एड्रेस में हम बात करेंगे कि कंपनी जब किसी को लेटर लिखती है तो सामने वाली जो पार्टी है उसका जो एड्रेस होगा वो इनसाइडर एड्रेस कहलाता है। यानी कि जब हम लोग किसी को लेटर भेजते हैं तो सामने वाली जो पार्टी है जिसको लेटर भेजा जा रहा है उसका जो एड्रेस है वो इनसाइड एड्रेस कहलाता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जब लेटर कंपनी किसी को भेजती है तो सामने वाले का रजिस्टर अपने रजिस्टर ऑफ मेंबर के बुक में से ले लेती है। तो जैसे कंपनी शेयर होल्डर को लेटर भेज रही है तो शेयर होल्डर को अगर लेटर भेज रही है तो किस एड्रेस पे जो है वो लेटर भेजा जाएगा। तो शेयर होल्डर का एड्रेस जो है वो कहाँ से मिलेगा, रजिस्टर ऑफ मेंबर से। तो रजिस्टर ऑफ मेंबर में जो एड्रेस दिया रहेगा वो एड्रेस पर हम कंपनी का लेटर सेंड करेंगे। यानी जो इनसाइड एड्रेस होगा वो कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में होगा। सेम उसी तरह से कंपनी का जो डिबेंचर होल्डर है तो डिबेंचर होल्डर के लिए रजिस्टर ऑफ डिबेंचर जो होगा उसमें जो एड्रेस होगा डिबेंचर होल्डर का उस एड्रेस पे भेजा जाएगा। सेम उसी तरह से रजिस्टर ऑफ डिपॉजिटर मेंटेन करती है कंपनी, रजिस्टर ऑफ डिपॉजिटर में जो एड्रेस होगा डिपॉजिटर का उस डिपॉजिटर के एड्रेस पे वो एड्रेस पे कंपनी लेटर सेंड करेगी। यानी इनसाइड एड्रेस का मतलब यही होगा कि सामने वाली पार्टी जिसको हम लेटर भेज रहे हैं उसका एड्रेस क्या है, तो वो इनसाइड एड्रेस होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है किसी भी लेटर में। यानी जो हम लेटर लिखते हैं उस लेटर का जो कंक्लूजन है वो कंक्लूजन हम सब्जेक्ट में शो करते हैं। जब सब्जेक्ट लिखा जाता है तो उसकी शुरुआत जो है लेटर में हम 3 वर्ड से लिखते हैं, SUB यानी सब। सब मतलब सब्जेक्ट। तो बेसिकली ये लेटर लिखा क्यों जा रहा है, उसका मेन पर्पस क्या है, वो सब्जेक्ट में हम शो करते हैं। तो जब कंपनी कोई लेटर लिखती है तो वो लेटर का जो है सब्जेक्ट लिखती है और सब्जेक्ट में बेस समझ में आ जाता है कि लेटर क्यों लिखा गया। तो अगर बेसिकली हम कहें तो
तो किसी भी लेटर का जो कंक्लूजन होता है यानी शॉर्ट समरी होता है वो होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट से चीज़ समझ में आ जाती है कि क्या इस लेटर में लिखा होगा। तो जब हम किसी को लेटर सेंड करते हैं और लेटर सेंड करने के बाद वो रिसीवर लेटर को रिसीव्ड करता है, तो रिसीव्ड करने के बाद वो सबसे पहले सब्जेक्ट देखता है कि सब्जेक्ट क्या है यानी किस टॉपिक पे ये लेटर आया है। तो वो टॉपिक रीड करता है और टॉपिक रीड करने के बाद डिसाइड करता है या समझता है कि इस लेटर में क्या दिया होगा। तो बेसिकली सब्जेक्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है किसी भी लेटर का, जिससे कोई भी कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि लेटर में क्या लिखा है। नेक्स्ट पार्ट है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में हम बात करेंगे कि जब लेटर स्टार्ट करेंगे हम, यानी कि बेसिकली सब्जेक्ट लिख दिया जाएगा, तो सब्जेक्ट के बाद हम सामने वाले को रिस्पेक्ट से स्टार्ट करेंगे, सैल्यूटेशन देंगे। जैसे अगर किसी सर को लेटर लिखा जा रहा है तो डियर सर, रिस्पेक्टेड सर, या मैडम को लिखा जा रहा है तो रिस्पेक्टेड मैडम वगैरह लिखकर हम क्या करते हैं, अपने लेटर की शुरुआत करते हैं। तो बेसिकली जब मुद्दा हमें स्टार्ट करना होता है, मेन टॉपिक स्टार्ट करना होता है, तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, सैल्यूटेशन यानी सामने वाले को थोड़ी सी रिस्पेक्ट देते हैं। इसमें हम लिखते हैं डियर सर, डियर मैडम, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम, और फिर अपने लेटर की जो मेन बातें हैं उसको शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट, बॉडी ऑफ लेटर। बॉडी ऑफ लेटर मतलब मेन पार्ट लेटर का क्या होगा। तो मेन पार्ट जो है लेटर का वो होता है बॉडी ऑफ लेटर। बॉडी ऑफ लेटर में कंपनी जो है, जो टॉपिक होता है, जिस वजह से लेटर लिखा जाता है उसको लिखती है, यानी वो वहाँ पर अवेलेबल होता है। तो बेसिकली बॉडी ऑफ लेटर को तीन पार्ट में क्लासिफाइड किया है। तो बॉडी ऑफ लेटर में तीन पैराग्राफ होते हैं, फर्स्ट पैरा, सेकंड पैरा और थर्ड पैरा। फर्स्ट पैराग्राफ में अगर हम बात करें बॉडी ऑफ लेटर में, तो सबसे पहले फर्स्ट पैराग्राफ में जब लेटर लिखा जाएगा तो फर्स्ट पैराग्राफ में ब्रीफ इंट्रोडक्शन होता है, यानी कि इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि हम लेटर क्यों लिख रहे हैं। तो बेसिकली लेटर लिखने का कोई ना कोई रीज़न होगा, तो वो रीज़न जो है वो इंट्रोडक्शन यानी फर्स्ट पैराग्राफ में दिया जाता है। सेकंड पैराग्राफ, ये मेन पैराग्राफ होता है जिसमें कंपनी अपने टॉपिक पे बात करती है, यानी कि आपको उस टॉपिक पे डिस्कशन करना होता है कि जिस टॉपिक की वजह से लेटर लिखा गया। तो फर्स्ट पैराग्राफ में ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया गया यानी रीज़न बताया गया लेटर क्यों लिखा है, और सेकंड वाले में हम बताएंगे मेन कंटेंट कि लेटर की वजह क्या है या इस लेटर को लिखने का पर्पस क्या है। लास्ट जो पैराग्राफ है वो है थर्ड पैराग्राफ, और थर्ड पैराग्राफ में हम सामने वाले से रिक्वेस्ट करेंगे किसी चीज़ के बारे में, यानी कि फर्स्ट पैराग्राफ में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन शेयर करेंगे, सेकंड पैराग्राफ में हम मेन बात करेंगे, मेन बॉडी पार्ट होगा लेटर का, और थर्ड पैराग्राफ में हम रिक्वेस्ट करके लेटर को क्या करेंगे, वाइंड अप करेंगे। यानी बॉडी ऑफ लेटर में जो तीन पैराग्राफ है, फर्स्ट पैराग्राफ में हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन दे देंगे, सेकंड पैरा में हम क्या करेंगे, मेन मुद्दे की बात करेंगे टॉपिक से रिलेटेड, और थर्ड वाले में हम क्या करेंगे, उसको रिक्वेस्ट करेंगे। तो ये तीन पार्ट जो है बॉडी लेटर के होंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि और क्या पॉइंट्स हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज मतलब जब लेटर को क्लोज करेंगे तो एक कॉम्प्लीमेंट्री हमें देना होगा। यानी बेसिकली अगर हम ऐसा समझें कि लेटर जो है सामने वाला इतना बड़ा लेटर रीड करेगा, तो उसको थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज देना चाहिए। तो अगर उसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज देंगे तो उस केस में क्या होगा, जैसे हम लिखते हैं यू आर सिंसियरली, यू आर फेथफुल्ली, या फिर थैंकिंग यू, इस तरह से हम कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज देकर लेटर को क्या करते हैं, एंड करते हैं। तो जब लेटर को एंड किया जाएगा तो उसमें हम क्या करेंगे, सामने वाले को कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज दे देंगे, जैसे थैंकिंग यू या फिर यू आर फैथफुल्ली। नेक्स्ट है सिग्नेचर। तो सिग्नेचर बेसिकली ये है कि लेटर लिखा किसने है, यानी कंपनी से अगर लेटर आ रहा है या कंपनी लेटर भेज रही है, तो कंपनी का कौन ऐसा पर्सन है जिसने ये लेटर को भेजा। तो जो पर्सन लेटर को भेजता है वो उस पर क्या करता है, अपनी साइन करता है। तो बेसिकली कंपनी से जो भी करस्पॉन्डेंस जाता है वो सेक्रेटरी सेंड करता है, इसलिए जो भी लेटर है उस पर सेक्रेटरी अपनी क्या करेगा, साइन करेगा। बट जब सेक्रेटरी अपनी साइन करेगा तो उससे पहले कंपनी का नाम लिखेगा और अपने नीचे क्या करेगा, साइन करेगा। तो यहाँ पर जो भी लेटर करस्पॉन्डेंस भेजे जाते हैं, हर लेटर और हर करस्पॉन्डेंस पे सेक्रेटरी की सिग्नेचर है। यानी कि बेसिकली अगर ऐसा कहा जाए कि अगर बिना सिग्नेचर के कोई लेटर सेंड किया गया तो वो लेटर जो है इनकम्प्लीट माना जाएगा, वैलिड नहीं माना जाएगा। तो बेसिकली सिग्नेचर के बिना कोई भी लेटर जो है वो वैलिड नहीं होता, इसीलिए हर लेटर पे सिग्नेचर होना ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है इनक्लोज़र। इनक्लोज़र में हम बात करेंगे कि लेटर के साथ साथ कभी कभी बहुत सारी चीज़ें भेजी जाती है। जैसे कि अगर हमें बैंक में अकाउंट ओपन करना है, तो बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए हमारी कंपनी एक लेटर लिख रही है ब्रांच मैनेजर को कि आपकी बैंक में हमें अकाउंट ओपन करना है। तो जब बैंक को लेटर लिखा जाएगा तो उसमें लिखा जाएगा कि हमारी कंपनी आपके बैंक में अकाउंट ओपन करना चाहती है, और ये हमारे जो है रीजंस हैं, यही हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं। तो ये तो है लेटर में लिख दिया गया, बट अकाउंट ओपन करने के लिए सिर्फ लेटर से अकाउंट ओपन नहीं होगा, उस लेटर के साथ में जो डॉक्यूमेंट्स हमने उस लेटर में लिखे हैं वो डॉक्यूमेंट्स भी साथ में भेजने पड़ेंगे।
तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अकाउंट ओपन करने के लिए लेटर और वो जो डॉक्यूमेंट लगेंगे अकाउंट ओपन करने के लिए वो दोनों साथ में भेजने पड़ेंगे, यानी लेटर के साथ में अटैच होकर वो डॉक्यूमेंट भी जाएंगे। तो बेसिकली लेटर के साथ में अटैच होकर कोई भी चीज़ जाती है उसे हम इनक्लोज़र कहते हैं। यानी लेटर के साथ साथ अगर कोई डॉक्यूमेंट कोई पेपर अगर हम भेजते हैं तो वो जो लेटर के साथ में जाने वाली चीज़ है उसे हम इनक्लोज़र कहते हैं। तो जब भी कोई लेटर भेजा जाएगा और उसके साथ में कोई डॉक्यूमेंट अटैच होगा तो वो इनक्लोज़र में लिखा जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट जो है साथ में भेजे जा रहे हैं। लास्ट पार्ट है द कार्बन कॉपी नोटेशन, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं CC। तो जब भी लेटर हम किसी को भेजते हैं और वही लेटर हम साथ साथ किसी और को भी भेजते हैं, जैसे कोई लेटर किसी मेंबर को भेजा जा रहा है और वही लेटर जो हम लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या SEBI को भेज रहे हैं, तो अगर मेंबर को लेटर भेज रहे हैं और साथ में अगर किसी और पार्टी को अगर हम लेटर भेज रहे हैं सेम टाइम पे, तो उसको हम लोग CC में ऐड कर देते हैं जिसको हम वो लेटर और भेजना चाहते हैं। तो अगर कोई लेटर किसी डायरेक्टर को भेजा जा रहा है और उसके साथ साथ वही लेटर हम SEBI को भी भेज रहे हैं तो हम लोग SEBI को CC में रख लेंगे। तो लेटर अगर एक से ज़्यादा लोगों को भेजा जाता है तो जब एक्स्ट्रा लोगों को भेजा जाएगा तो उसको हम CC में रखकर उन्हें भी सेम लेटर भेज सकते हैं सेम टाइम पे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने देखा कि जो लेआउट है उस लेआउट के क्या क्या कंटेंट है और वो कंटेंट को किस तरह से अरेंजमेंट किया जाए ताकि लेटर जो है अट्रैक्टिव दिखाई दे। थैंक यू फ्रेंड्स।